नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। हमने कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था वजीराबाद और जगतपुर एरिया में यमुना किनारे बड़े बड़े बोरवेल लगाकर उनका कमर्शियल प्रयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े पानी की टैंकर भरकर अलग अलग निर्माणाधीन साइटों पर ले जाकर बेचे जा रहे हैं और जमीनी पानी का जमकर दोहन किया जा रहा है। पार्कों में लगे बोरवेल को सील किया जा रहा है ताकि जमीन के पानी का दोहन न हो, वहाँ पर पौधे सूख रहे हैं। लोगों के घरों के बोरवेल सील कर दिए जाते हैं ताकि जमीन के पानी का दोहन न हो। लोग पानी बिना परेशान रहते हैं, जबकि बड़े बड़े टैंकर जमीनी पानी का दोहन करके उनका कमर्शियल प्रयोग करते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। इस मुद्दे की खबर जब मीडिया में आई और साथ ही जनप्रतिनिधियों तक भी आवाज पहुंची, तो अब जनप्रतिनिधियों का कहना है कि एक सप्ताह में इस तरह के बोरवेल को सील किया जाएगा। एमएलए संजीव झा ने बताया कि उनके पास भी इस तरह की शिकायत आई है। उन्होंने डीएम और संबंधित दूसरे अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जांच करके इस तरह के बोरवेल को सील किया जाए। साथ ही इस तरह के अवैध बोरवेल का मुद्दा कल बायो डायवर्सिटी में IDTA की टीम के सामने भी फिर से उठा। अब देखने वाली बात होगी कि DTA और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कब इन बोरवेल को सील करते हैं। दोहन को लेकर पानी क्या कहते हैं PWD और दिल्ली जल बोर्ड के में सप्लाई जा रहा है। मुझे ये संज्ञान में आया है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये जगतपुर के पास कहीं हो रहा है। तो कल ही मैंने डिविजनल कमिश्नर को भी और अपने DM को भी ये निर्देश दिया है कि जगह की जाँच करके और जहाँ जहाँ इस तरह का बोरवेल को सील कर दिया जाए, ताकि इस दोनों नुकसान होता है। एक तो हमारी जो वाटर लेवल है उसमें भी फ़र्क पड़ता है और ये एक व्यापार के तौर पर भी इसको लोग कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सप्ताह में सभी बोरवेल को सील कर दिया जाए। सख्त कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए। ये मेरे संज्ञान में आया और ये बहुत चिंताजनक बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से बोरवेल के जरिए पानी का व्यापार किया जा रहा है, तो मुझे लगता है अगर आइडेंटिफाई उन पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन प्राइमरली हमें पहले बोरवेल को सील करना पड़ेगा। हम इस सप्ताह में सारे बोरवेल को सील करवा रहे हैं। ठीक है।